महादेव मंदिर की तरफ से आप सबका हम यहाँ पे धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए। पंचभक्तन महादेव मंदिर आपको जैसे पता ही है कि जम्मू का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे पंचभक्तन महादेव, जो पंचमुखी महादेव भी कहते हैं जिनको, तो वो यहाँ पे आप शंभू के रूप में विद्यमान हैं, विराजमान हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और महादेव जो है महाकल्याणकारी महामंगल स्वरूप महादेव का है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि कला और संगीत जो है सब महादेव से ही उत्पन्न हुआ है और ये संगीत जो है उन्हीं की देन है। तो शास्त्रीय संगीत जो एक महादेव की उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उसको इस मंदिर में हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म जम्मू के जो संगीतकार हैं उनको देना चाहते हैं। और इसी कड़ी में सावन महोत्सव पंचभक्तन महादेव में पिछले दिनों में मनाया गया, जबकि हर सोमवार सावन महीने में, जो कि इस बार सौभाग्य से 8 सोमवार आए थे, उन सोमवार को जहाँ पे सावन महोत्सव संगीत का आयोजन, संगीत भजन संध्या का आयोजन करके हमने किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अभी शरद महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि 3 से 5 नवंबर को यहाँ मंदिर में ही मनाया जाएगा, जिसमें कि भजन संध्या और उसी के साथ युवा संगीतकार हैं उनकी प्रतियोगिता यहाँ पे रखी जाएगी, जिसमें जम्मू क्षेत्र के जितने संगीतकार हैं वो उसमें भाग लेंगे। इसी के साथ मैं दीपक जी से प्रार्थना करूँगा कि उसकी जो भजन संध्या, जो हम महोत्सव शरद महोत्सव मनाने जा रहे हैं जिसमें भजन संध्या और युवा प्रतियोगिता संगीत की रहेगी, उसकी रूपरेखा आपसे बताएंगे कैसे रहेगी। जैसा कि सुरेश जी ने कहा है कि ये पंचभक्तन महादेव की एक प्रेरणा से, एक उन्हीं के एक आदेश से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये परंपरा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर जो संगीत और नृत्य की एक परंपरा है वो हमेशा रही है। जम्मू में भी ये परंपरा कहीं थी लेकिन वो समय के साथ लुप्त हो गई, और उसको फिर से यहाँ पर पुनर्स्थापन करने के लिए जम्मू में भी संगीत और नृत्य को फिर से दोबारा से जीवंत करने के लिए एक तरह से प्रयास किया गया। जैसे एक सफल आयोजन रहा हमारा पिछला यहाँ पर जो श्रावण महोत्सव था, तो उसके बाद अभी एक शरद महोत्सव मनाने की हमने ये सोची है 3 से 5 नवंबर तक। और इसमें जो बड़ी बात ये है कि जो युवा कलाकार हैं, युवा जो गीत गायन शैली में जो क्लासिकल म्यूज़िक गाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, नॉन प्रकर्शन जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी एक प्रतियोगिता हमने यहाँ पर रखी है 3 से 5 नवंबर तक। प्रतिदिन वो चलेगी और इसका कार्यक्रम का जो समय है वो दोपहर 3 बजे से शाम को 6:30 बजे होगा। 5:30 से 6:30 जो है वो भजन संध्या, जो यहाँ पर स्थापित कलाकार हैं जैसे सूरज सिंह जी हैं, रोशी जी हैं और बहुत सारे कलाकार हैं जम्मू के, तो उन लोगों वो लोग गाएंगे। और 3 से लेकर 5:30 बजे तक जो है वो युवा जो हैं जम्मू के, जिनकी उम्र जो है हमने रखी है 16 से 23 साल तक की उम्र के लोग जो हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि उनको हम एक प्लेटफॉर्म देंगे आगे भी, क्योंकि हम हर महीने यहाँ पर एक भजन संध्या कर रहे हैं लगातार श्रावण महोत्सव के बाद, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जो हमारा यूथ है वो एक तरफ से जो हमारा शास्त्रीय गायन है उसकी तरफ उसका ध्यान जाएगा, और गायन में एक जम्मू का एक अपना नाम हमेशा से रहा है। यहाँ आप देखें कि उस्ताद
अल्लाह रखा खां जम्मू से थे, पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू से, बहुत सारी विभूतियाँ जो हैं जम्मू से निकलकर उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है, और उसके लिए यही था कि एक प्लेटफॉर्म उन युवाओं को दिया जाए। तो कोई भी आवेदन कर सकता है जो युवा इस उम्र में हो, 16 से 23 साल की उम्र में, तो वो डायरेक्टली भी कर सकता है, अपने इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए भी वो अप्लाई कर सकता है। 2 तारीख तक वो हमें शाम तक वो है हमें अपना एंट्री भेज दे, जिसमें अपना नाम पता और बाकी सब चीज़ें, कौन सी एज ग्रुप है उसका, तो उसके तहत हम उसको 3 से 5 तक वो यहाँ पर गाएंगे। और इसके लिए एक टीम बनाई है हमने, जो उसका निर्णयात्मक जो मंडल है एक बनाया गया है, तो वो उस पर करेंगे। और उसके बाद जो विजेता होगा उसको रिकॉर्डिंग्स उसकी की जाएंगी, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में की जाएंगी, उसका CD यहाँ मंदिर की तरफ से एक रिलीज़ की जाएगी, कैश प्राइजेस रहेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से, आपके सहयोग से ये प्रार्थना है, सभी एक मैसेज है कि जो युवा इस बात को सुन रहे हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो यहाँ के जो लोकल्स हैं, जम्मू वासी जितने भी हैं, वो भी आएँ, बड़ी संख्या में आएँ और युवाओं को प्रोत्साहित करें, संगीत का आनंद लें। और ये जो प्राचीन और भव्य यहाँ पर एक मंदिर है पंचभक्तर महादेव का, यहाँ पर अपनी ब्लेसिंग्स लें, ताकि उनके आने वाला कल जो है वो खूबसूरत और बेहतर हो। इसके लिए कोई नंबर वगैरह जो आपने दिया हुआ कि किस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या होगा? हाँ, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9419135920, और आपका अपना 9419188006, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेंजर से आप अपना डिटेल जो है वो भेज सकते हैं, और ईमेल आईडी भी है, थ्रू ईमेल भी भेजना चाहते हैं तो भेज दें। मेरे ईमेल आईडी है suresh.sharma@gmail.com, उस पर भी जो लोग भेजना चाहते हैं, जो इसके लिए कुछ कार्यालय वगैरह यहाँ पे लोग डायरेक्टली आना चाहें तो उसके लिए क्या? यहाँ मंदिर में, पंचभक्तर मंदिर में ऑफिस खुला रहता है, तो यहाँ भी आके जो है को दे सकते हैं जहाँ पे।